तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे 11 मार्च को जो पर्व है महाशिवरात्रि का, तो उसके लिए उसकी मैं आपको सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं एडवांस में। तो दोस्तों हम महाशिवरात्रि के ऊपर क्या उपाय करें जिससे कि हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ सुधार आए, हमारी जिंदगी बदल जाए, क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि वो जहां पे है वहां से उसकी ग्रोथ हो। अगर वो आज 10 रुपए कमाता है तो वो भी चाहता है कि कल को मैं 20 कमाऊं या 50 कमाऊं। तो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। या जिनको कोई मतलब शादी नहीं हो रही है उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, या जिनके ऊपर शनि साढ़े साती चली हुई है, ढैया चली हुई है, उन लोगों के लिए भी ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा सही रहेगी। आप सब लोग देखिएगा। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं, सबसे पहले कुछ उपाय करने हैं आप लोगों को जो कि आपको साढ़े साती में या फिर आपकी जिंदगी सही करने में बहुत कारगर सिद्ध होंगे। महाशिवरात्रि के दिन ही ये आपको उपाय करने हैं। तो दोस्तों मैं पहला उपाय आपको बताता हूं। अगर आप रख सकते हैं तो सबसे पहला उपाय जो आप करें वो सबसे पहले महाशिवरात्रि के दिन आप व्रत रखें। मतलब जो बंधुजन व्रत रख सकते हैं तो वो रखें जरूर। व्रत में कोई ज्यादा डिफिकल्ट व्रत, कई बहुत ज्यादा मतलब अच्छे तरीके से व्रत रखते हैं कि लाइक उस दिन पानी भी ग्रहण नहीं करते, बट अगर आप इतना भी अगर ना कर सके कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आप कुछ सात्विक डाइट लीजिए उस दिन, लाइक फ्रूट्स लीजिए, आप दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, मतलब सात्विक रहिए सारा दिन। और नंबर दो पे शिवरात्रि की सुबह में शिव मंदिर जाइए, ठीक है। शिव जी शिवलिंग पे आप जिस क्रम में मैं अभी बताऊंगा उसी क्रम में अगर आप शिवलिंग पर ये सब चीजें अर्पित करते हो तो आपको अच्छा फल देखने को मिलेगा जिंदगी में। सबसे पहले शिव मंदिर जाइए, शिवलिंग को प्रणाम कीजिए। हाँ, हालांकि उस दिन भीड़ बहुत होती है मंदिर में, बट कोशिश करें कि आपसे ये चीज हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि शिवलिंग पे सबसे पहले जल चढ़ाना है, उसके बाद दूध अर्पित करें, फिर जल अर्पित करें, फिर दही अर्पित करें, फिर जल अर्पित करें, फिर शहद अर्पित करें, फिर जल अर्पित करें, फिर थोड़े से चावल, कच्चे चावल अर्पित करें, फिर उसके बाद कोई प्रसाद चढ़ाइए, ठीक है। प्रसाद आप कोई फल फ्रूट ले जाइएगा, ठीक है, वो चढ़ा दीजिएगा। फिर एक पुष्प चढ़ाएं शिवलिंग के ऊपर, फिर उसके बाद एक दिया या फिर जोत जलाइए और धूप जलाइए। तो इससे आपकी ये पंचोपचार पूजन हो जाएगा। धूप दीप नैवेद्यम अक्षत पुष्प आपने चढ़ा दिए, ठीक है। देखिए आप मैक्सिमम लोगों की मान्यता है कि शिवलिंग पे भांग चढ़ाते हैं। हाँ, चढ़ती है भांग शिवलिंग पे, बट हमें वही चीजें ही चढ़ानी चाहिए जो हम खुद भी खा सकते हैं। अगर आप भांग खुद नहीं पीते हैं या खुद नहीं भांग का प्रयोग करते हैं तो आप शिवलिंग पे भी उसे चढ़ाना अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। नंबर तीन पे आप घर आइए, तो आप या जिनको शारीरिक रोग चल रहे हैं जिन लोगों को, उनके लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि महामृत्युंजय मंत्र की जितनी मालाएं हो सके, कम से कम 11, कम से कम 5, फिर 11 या 21, 31, 51 या 108, इतनी मालाएं महामृत्युंजय मंत्र की करें। इससे क्या होगा कि आपकी जो हेल्थ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उसमें काफी ज्यादा सुधार आपको देखने के लिए मिलेगा। नंबर दो पे जिन लोगों को अगली मतलब उससे तो मतलब जिन लोगों को थोड़े लाइक मतलब जैसे जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, प्यार में प्रॉब्लम आ रही है या मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या करे कि ओम नमः शिवाय मंत्र है, ठीक है, बहुत ही आसान सिंपल मंत्र है, ओम नमः शिवाय 3 अक्षरों का है। तो इस मंत्र की कम से कम भी जितनी 5 मालाएं, 11 मालाएं, 21 मालाएं, 51 मालाएं या 108 मालाएं उस दिन पाठ करें, ठीक है। तो इससे आप लोगों को काफी ज्यादा सुधार अपनी जिंदगी में देखने के लिए मिलेगा। और जिन जातकों की साढ़े साती या ढैया चल रही है वो ये मतलब जिस दिन शिवरात्रि है, शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पे काले तिल जरूर चढ़ाएं, इससे उनको काफी ज्यादा शिवरात्रि में सॉरी साढ़े साती में राहत मिलेगी। तो दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो, शिवरात्रि के ऊपर क्या उपाय करने चाहिए। तो शिवरात्रि 11 मार्च को है,
तो आप सब लोगों को के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हुआ मैं इस वीडियो को बस यही बंद करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नारायण, ओम नमः शिवाय।